मंगलवार से प्रारंभ होने वाले गणेश चतुर्थी को लेकर विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस बार भक्तों के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, साथ ही आमजन और बच्चों की भागीदारी बढ़े इसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। हमारी संवाददाता प्रवीण सावंत ने मंदिर में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मंगलवार से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, इसके लिए खजराना गणेश मंदिर पर तैयारियां जोर शोर से जारी है। आप देखिए कि गर्भस्थल में जितने भी ये पूरी चांदी की दीवार है उसको साफ सफाई और ऊपर जो श्रीयंत्र लगा है उसकी भी सफाई जारी है। मंदिर समिति द्वारा इसको लगभग पिछले 5-7 दिन से जो है वो गर्भगृह में ये कार्य जारी है। ये सारी दीवारें साफ होने के साथ ही पूरे मंदिर की जो है वो सफाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि 19 तारीख को ध्वज पूजन के साथ जो है वो गणेश चतुर्थी का शुभारंभ होगा। इसके लिए 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी पहले दिन लगता है। वो भोग के लिए सारी पूजन जो लड्डू निर्माण होना है उसका काम प्रारंभ कर दिया गया है। कल जो है उसका विधिवत उद्घाटन शुभारंभ किया गया था। भगवान गणेश को जो है वो पूरे 10 दिनों तक जो है वो विशेष श्रृंगार रहता है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आभूषण जो है वो भगवान गणेश को इस दौरान सजाए जाते हैं। उनसे 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आभूषण से श्रृंगार होता है और ये 10 दिन तक रहता है। अलग अलग फूलों से इसका प्रतिदिन जो है वो श्रृंगार भी बनेगा, फूल बंगला भी सजाया जाता है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट महाराज। हम उनसे जानेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार हैं। महाराज, इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं गणेश चतुर्थी को लेकर? 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के तहत भगवान गणेश जी महाराज का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। रोजाना उनका अलग अलग तरह से श्रृंगार होगा। साथ ही भगवान श्री गणेश जी महाराज को स्वर्ण आभूषण भी धारण कराए जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए हैं। ये साल में 2 बार ही स्वर्ण आभूषण भगवान को धारण कराए जाते हैं। 1.25 लाख मोदकों का भोग भी लगेगा एवं यहाँ पर 10 दिनों तक अलग अलग तरह के लड्डुओं का भी भोग लगाया जाएगा, जिसमें ड्राई फ्रूट के लड्डू, सौंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू, ऐसे अलग अलग तरह के लड्डुओं का भी भोग लगेगा भगवान गणेश जी महाराज को। महाराज, हम देखते हैं हर बार यहाँ पर सजावट भी बड़ी विशेष होती है, फूल बंगला भी सस्ता है, इस बार भी कुछ इस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, इन 10 दिनों में भगवान के यहाँ पर फूल बंगला भी सजाया जाएगा। विद्युत सज्जा भी चालू हो गई है, विद्युत सज्जा भी होगी, साथ ही श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर सके इसके लिए इस बार यहाँ पर हमने शेड भी लगाए हैं। एक परमानेंट शेड लगाया हुआ है, साथ में अस्थायी शेड भी लगाए हैं कि अगर बारिश आती है तो श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आवागमन की इस बार कोई विशेष व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं तो ट्रैफिक जाम और इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो इस बार उससे बचने के लिए कोई नई व्यवस्था रहेगी? कल ही हमारे यहाँ पर हमारे मंदिर प्रशासक निगम आयुक्त मैडम आए थे और पूरा उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया था। रिंग रोड पे जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही जो सर्विस रोड खराब हो गई है उनको तत्काल उनको बनाई जाएगी, चारों सर्विस रोड बन जाएगी और वन वे कर दिया जाएगा। खजराना रिंग रोड से ही वन वे रहेगा जो कालिका आश्रम तक रहेगा, और वो वन वे भी 2 हिस्से में रहेगा। एक हिस्से में वाहन चलेंगे, कार, प्राइवेट कार और 2 व्हीलर गाड़ियाँ, और एक हिस्से में पैदल श्रद्धालु चल सकेंगे। साथ ही जो निकास की व्यवस्था रहेगी वो खजराना के मंदिर के जो पीछे है गोयल विहार कॉलोनी, गणेशपुरी कॉलोनी, वहाँ से होते हुए बंगाली चौराहे पे श्रद्धालुओं को निकाला जाएगा। गर्भगृह में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं पंडित जी? क्योंकि हम देख रहे हैं सफाई व्यवस्था जारी है, ये क्या किस तरह की प्रोसेस हो रही है? गर्भगृह जो है खजराना गणेश जी महाराज का जो ये गर्भगृह है ये 650 किलो चांदियों से बना हुआ है और इसकी साल में 2 बार यहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं करीबन 10 लोगों की एक टीम है वो पूरी इन चांदियों की सफाई करती है और ये आज यहाँ पर सफाई हो रही है और यह लगभग रात तक पूरी हो जाएगी सफाई। भजन संध्या और इस तरह की भी कुछ कार्यक्रम होंगे 10 दिनों में? इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी महाराज एवं श्री कृष्ण भगवान के पर आधारित नट्टी नाटिका प्रस्तुत की जाएगी रात्रि में, एवं दिन में स्कूल के बच्चे यहां पर आकर अपना परफॉर्मेंस देंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे और उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा मंदिर प्रबंध समिति की ओर से। बिल्कुल, जिस तरीके की तैयारियाँ चल रही है उससे कहा जा सकता है कि इस बार जो है वो गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और कलेक्टर इलैया राजा टी जो है वो मंगलवार के दिन सुबह 9:30 बजे ध्वज पूजन करके इस गणेश उत्सव की शुरुआत करेंगे। प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे और इस बार
जनता की भागीदारी अधिक हो, छोटे जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी अधिक हो, इसे भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।